समय में भी काफी प्रयास हुए हैं, बिहार प्रेस ब्लेक का मामला हो या इमरजेंसी में बहुत सारी एक मुश्किलें हुई थी। जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अनुराग जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट मैं देखता हूं। हेलो। हाँ, आ गई। जी हाँ जी आप अपना सवाल फिर से एक बार दोहराएं। मैं कह रहा था इस प्रकार के प्रयास पहले भी हुए हैं, पहले भी हुए हैं इस प्रकार के प्रयास, जिसमें बिहार प्रेस बिल से लेकर के इमरजेंसी तक में जो कुछ हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा कुछ और भी ज्यादा आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले जो प्रयास हुए थे उसमें उस समय जो प्रेस था वो काफी स्वतंत्र था अपेक्षाकृत, और कुछ हमारे पास ऐसे पुरोधा थे जिनके गाइडेंस में, जिनके छत्र छाया में हम लोग स्वतंत्रता की, प्रेस स्वतंत्रता की बात भी करते थे, और ऐसे बड़े बड़े नाम आते थे जिनसे सरकार भी उनकी नैतिक शक्ति से थोड़ा डरती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फेक न्यूज को पीआईबी को देने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ी फेक न्यूज तो बीजेपी का आईटी सेल ही पैदा करता है, तो कुछ लोगों को फेक न्यूज से जो फेक न्यूज चलाते हैं उनको, उनके सहारे जिंदा है, जिनके जो काफी, अगर आप स्वाति चतुर्वेदी का मैं कैसे ट्रोल हुई ये किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया में एक हमले किए जाते हैं, सुनियोजित हमले किए जाते हैं। और या मुझे एक और भी लग रहा है कि जो सोशल मीडिया था, जो यूट्यूब है, वही अभी थोड़ी सी स्वतंत्रता की थोड़ी सी एक बहुत बारीक किरण मुझे नजर आती है, तो उसको खत्म करने की भी, क्योंकि अब देखिए कि जो चैनल्स हैं वो भी यूट्यूब पे आके उसको क्लटर करना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि ये जगह इतनी घिसपिट हो जाए कि लोगों को अपनी पसंद खोजने के लिए काफी कोशिश करनी पड़े। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह हुई है कि टेलीविजन जो है वो अभी हर काम जब मोबाइल से हो रहा है, तो टेलीविजन में देखता हूं कि बहुत कम लोग बात देखते हैं, और टेलीविजन जब समाप्त हो गया है तो उसमें लोग बात मोबाइल के जरिए अपने यूट्यूब और अपनी आजादी को खोजने के लिए अलग अलग चैनल्स की जगह अपनी पसंद के कार्यक्रम देखते हैं, तो वो प्रतिरोध के कार्यक्रम होते हैं, और सरकार जो है हर प्रतिरोध को समाप्त करना चाहती है। मैं यहाँ पे जैसे आपने इंडियन एक्सप्रेस की बात कही, अभी जैसे जो भारत का एक बड़ा अंग्रेजी का जो सबसे बड़ा दैनिक अखबार है, उसके जो दो भाई हैं उन मालिकों को भी ईडी ने करीब 2 महीने पहले बुलाया था। अब ये न्यूज सही है या फेक है ये आप कैसे तय करेंगे, क्योंकि आप वो लोग तो आके बताएंगे नहीं, जब तक नहीं बताएंगे तब तक आप उसको सही नहीं मानेंगे। या जो उनका, जैसे मुंबई का जो यहाँ का जो एडिशन निकलता था उसी अखबार का, वो अब दिल्ली से निकलने लगा है, क्योंकि पहले मुंबई जैसी जगह थी वो एक आजादी की, एक स्वतंत्रता की जगह मानी जाती थी। लेकिन आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा हमला जो हुआ था, जब बाल ठाकरे की मृत्यु हो गई थी, तो दो पालघर की दो लड़कियों ने उनपे कोई टिप्पणी लिखी थी, जिनको जिनको की आधार बना के उनको जेल भेज दिया गया, उनको तो छोटी छोटी जो अभिव्यक्ति की बातें हैं उनपे हमला किया गया और भयभीत किया गया। तो सबसे बड़ी बात ये मुझे लगती है कि ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसपे अगर पीआईबी जैसी संस्था, अब जैसे पीआईबी में भी कौन निर्णय करेंगे क्या, जैसे अगर मान लीजिए कि एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि हमारी भी थोड़ी भागीदारी होनी चाहिए, तो ये फेक न्यूज हुई, पेड न्यूज हुआ, पेड न्यूज देखिए पेड न्यूज अभी सर्वमान्य हो गया, और अगर आईटी सेल पार्टियों के चलते, भारतीय जनता पार्टी का चलता है, वो मान्य रहेगा, जो विरोध करेगा उसको फेक न्यूज कर देंगे। या ऑल्ट न्यूज में भी आप देखिए, पहले जुबेर को अंदर किया गया, अभी 2-3 दिन पहले एक सिन्हा जी के खिलाफ भी किया कि मी टू की भी एक कोई ऑर्गेनाइजर की कोई महिला थी जिसने मी टू का उन पर आरोप लगाया और कहा कि ये कहा जाएगा कि मैं तो राइट विंगिश हूं लेकिन मैं इनसे काफी प्रभावित थी और मैं इनके साथ में काम करने आ गई थी। तो फेक न्यूज के भीतर भी फेक न्यूज, अंदर भी ये होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सरकार जो है वो स्वतंत्रता की आवाज को समाप्त करना चाहती है,
और ये जो कोशिश है वो जो छोटा सा बहुत यूट्यूब का या एक सेगमेंट रह गया है उसको फेक न्यूज करेंगे, क्योंकि अखबार और दूसरे टेलीविजन उस पे उनका पूरा कब्जा हो गया, अदालतों पे भी बहुत सारा नियंत्रण हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में, या जैसे अभी हरजिंदर ने बताया कि बीबीसी की अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो वो भी नहीं देख सकते हैं, तो बहुत आपकी जो सीमित क्षेत्र रह गया है उसको भी प्रतिबंधित करना चाहते हैं, और अखबार के दबाव मालिकों को बहुत दबाव डाला जा रहा है, उनको ईडी बुला रही है, उनको इनकम टैक्स वाले बुला रहे हैं, और उनके ऊपर जो शिकंजा है वो पत्रकारों पे नहीं अभी मालिकों पे भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप जैसे या जो स्वतंत्र चेता लोग हैं उनके लिए खतरे की घंटी है, और उन्हीं से ये सरकार डर।